है फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। आज मैं लाया हूँ इंडियन नेवी SSR डबल ए या फिर MR का प्रैक्टिस मॉडल सेट क्वेश्चन साइंस सब्जेक्ट का। हर एक मॉडल सेट में 25 क्वेश्चन रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन, 25 मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं। आप बिल्कुल इन क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन हैं जिस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट होते हैं साइंस के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अक्रिय गैस कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन होगा क्रिप्टन। दूसरा है, कंप्यूटर में एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर 8 होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में किस गैस का आवरण सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है? तो ओजोन, ओजोन हमारे पराबैंगनी किरणों से, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। नेक्स्ट है, स्पॉन्डेलाइटिस, स्पॉन्डेलाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर मेरुदंड होगा। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है जिसको पीतल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर ऊंची हवेली की छत से ऊपर की ओर 1 मीटर प्रति सेकंड से कूदता है तो वह किस वेग से जमीन को छुएगा? जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तथा गमन तथा सरल रेख लेना है। तो देखिए, इंडियन नेवी में चाहे SSR का पेपर दे रहे होंगे आप, चाहे फिर डबल ए का पेपर दे रहे होंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। 11th से ये क्वेश्चन है तो आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, राइट आंसर आप देख पाएंगे 14.17 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, साइंस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सदिश ए बी तथा सी इस प्रकार हो कि ए प्लस बी बराबर सी है तथा यदि ए बी का मोड का बराबर सी है तो ए तथा बी के बीच में कितना डिग्री? तो 0 डिग्री कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल के संबंध में क्या कौन सा सत्य सही नहीं है? तो सीसा के लिए इसका मान्य 0 होता है, बिल्कुल ये गलत है। तो हमको बोल रहा था कि घर्षण बल के लिए कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है तो ये तो सत्य है ना, सीसा के लिए मान 0 होता है तो ये सत्य बात है, हमसे बोल रहा था कि सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.02 केजी द्रव्यमान की एक गोली 100 किलोग्राम की एक बंदूक से छोड़ी जाती है तो M1 M2 वाले फार्मूले से बनेगा। 80 मीटर प्रति सेकंड है तो बंदूक किस चाल से पीछे की ओर हटेगी? M1 U1 प्लस M2 V2 इक्वल टू, ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो इसका आंसर आएगा 0.016 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल क्या है? तो बल क्या है? तो संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। नेक्स्ट फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे कि इसका साइंस वाले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं। तो 61 क्वेश्चन में, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से के लंबवत ऊपर फेंका जाता है, वह कितनी ऊंचाई तक जाएगी? जी का वैल्यू दिया है 9.8, कभी कभी जी का वैल्यू 10 भी दिया रहता है, तो वह कितनी ऊंचाई तक जाएगी? तो राइट आंसर होगा 20.4 मीटर। प्रोजेक्टाइल मोशन से ये क्वेश्चन है, 20.4 मीटर की दूरी तक जाएगी। नेक्स्ट है, टॉर्क बराबर पी क्रॉस आर, तो टॉर्क की दिशा क्या होगी? तो पी और आर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर में 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.56 ओम तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 3.68 ओम हो तो किस तल पर प्रतिरोध 6.78 ओम होगा? तो राइट आंसर 482 डिग्री सेल्सियस पर, किस ताप पर होगा? यहाँ तल नहीं होगा, इसका राइट आंसर यहाँ ताप देना चाहिए, तो ताप हो जाए 422 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सेकेंड में पेंडुलम की लंबाई दूनी कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो राइट आंसर इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि एल और टी में आप रिलेशन जानते होंगे, इसमें ना तो 4 सेकंड होगा, ना तो 2 सेकंड होगा, ना 2 सेकंड होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग अप्रभावी रहता है किस से? तो दाब से अप्रभावी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टोटल 25 क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। दो तरंगों का आयामों का अनुपात 3.2 है तो उनकी महत्तम एवं न्यूनतम मान का तीव्रता का अनुपात कितना होगा? तो 3 है और 2 है तो उसके मान का कितना होगा? तो 3 और 2 जोड़ेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25 और 3 में से तो 1 घटाएंगे, 1 का स्क्वायर 1, तो राइट आंसर 25:1 होगा। 67 में है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आई बी बराबर पोलर साइन एंगल है तो बी ओ सी का मान कितना होगा? तो हमेशा एंगल बी ओ सी जो बनेगा, बी ओ सी यदि पोलर साइन एंगल रहेगा आई पी, तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनेगा यदि वस्तु कहाँ कहाँ होगा, तो एफ तथा प्रकाशीय बिंदु के बीच होगा। उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय बिंदु के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के बने द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या दो त्रिज्याएं दिया हुआ है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो 13.1 सेंटीमीटर है। ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 250 वोल्ट पर मीटर है, उस स्थान पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का मान कितना होगा, तो 2.21 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक गोलीय सतह पर एक समान आवेश फैला है, उस सतह के अंदर किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, तो सतह के बराबर होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, फोटो उत्सर्जन शुरू होता है जब आपतित किरण का मान कितना होता है, तो थ्रेशोल्ड आवृत्ति से अधिक होना चाहिए यदि फोटो उत्सर्जन शुरू होता है। नेक्स्ट है, डी ब्रोगली समीकरण डेल बराबर एच बाई पी उदाहरण किसका है, तो प्रकाश के कोणीय एवं तरंगीय दोनों गुणों पर, ये दोनों गुणों का उदाहरण है। यदि टावर की ऊंचाई h है, पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो उसके लिए d का फार्मूला कितना होगा, यदि पृथ्वी की ऊंचाई अगर h है, त्रिज्या r है, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है याद कर लीजिएगा, रूट अंडर 2hr होता है। और एक है, एक गेट्स का दिया हुआ है फिगर, और इसमें बताना है कि ये कौन सा गेट है, तो ये 12th का मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर नंड गेट होगा, नंड गेट। तो कंप्लीट हुआ आज का ये मॉडल प्रैक्टिस क्वेश्चन का साइंस वाला 25 क्वेश्चन। थैंक यू, मेरे से जुड़े रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मॉडल क्वेश्चन लाएंगे 25 क्वेश्चन का, इसी तरह मैथ्स का भी प्रोवाइड कराएंगे, इसी तरह से और भी जनरल अवेयरनेस हो गया उसका भी क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।